हेलो गाइस, सो लेट्स सी अनदर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास दो क्लासेस होती हैं और ये दो क्लासेस अपना बिहेवियर एक तीसरी क्लास में लेके आते हैं। अब ये देखने में तो काफ़ी सिंपल सी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस लगती है, बट यहाँ पर एक ट्रैप है। ट्रैप ये है कि अगर से हमारे पास एक क्लास है क्लास ए, और क्लास ए के अंदर हमारे पास पब्लिक सेक्शन में एक फंक्शन है void show, एंड ये करता है show from a। सिमिलरली हमारे पास एक क्लास बी है और इस बी में भी हमारे पास एक फंक्शन है void show, और ये सी आउट करता है show from c। तो अब यहाँ पर समझने की और थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये है, सो अगर क्लास सी में हम पब्लिक ए और पब्लिक बी दोनों की दोनों क्लासेस पब्लिकली इनहेरिट कर दें, तो ये जो शो फंक्शन है इसकी दो कॉपीज़ सी के अंदर क्रिएट हो जाएंगी। सो यहाँ पर मैंने पब्लिक सेक्शन में एक सिंपल सा फंक्शन लिखा void view, और view के अंदर लिखा है सी आउट शो फ्रॉम सी। नाउ अब जब यहाँ पर ए और बी दोनों के दोनों सी में आए पब्लिकली, सो हमें यहाँ पर यह समझना है कि शो फंक्शन की दो कॉपीज़ बन गई हैं सी में। तो इशू ये आएगा जब हम मेन में सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे से ओबीजे, और हम अब ओबीजे से शो फंक्शन कॉल करेंगे। सो कंप्यूटर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे ये शो फंक्शन ए से कॉल कराना है या ये शो फंक्शन बी से कॉल कराना है। एंड यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बोलते हैं एम्बिग्यूटी। सो दिस अराइजेज एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी इज अनदर टर्म फॉर कन्फ्यूजन, कि कंप्यूटर यहाँ पर कन्फ्यूज हो गया है कि हमें यहाँ पे ए के थ्रू शो फंक्शन कॉल कराना है या बी के थ्रू शो फंक्शन कॉल कराना है। सो दिस एम्बिग्यूटी is resolved in two ways. First way तो ये होती है कि हम यहाँ पे resolution operator का use करके, scope resolution operator का use करके computer में C code में C के अंदर mention कर दें कि हम A के through पहले call करा रहे हैं या B के through call करा रहे हैं। So let's try to code this and understand. So now let's see the example of multiple inheritance. यहाँ पर हमने क्लास ए बनाया है जिसके अंदर एक शो नाम का फंक्शन है जो प्रिंट करता है शो फ्रॉम ए। सिमिलरली एक क्लास बी है जिसके पब्लिक सेक्शन में शो नाम का फंक्शन है और वो सी आउट करता है शो फ्रॉम बी। इसके बाद हमने क्लास सी में ए और बी दोनों को पब्लिकली इनहेरिट कराया है। हम इनका कोई भी ऑर्डर रख सकते हैं, अगर हम पब्लिक ए और पब्लिक बी लिख देंगे देन ऑल्सो इट विल रिमेन सेम। और इस व्यू फंक्शन से हमने शो फंक्शन को कॉल कराया। अब मेन में हम सी की एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और हमने उस ऑब्जेक्ट से व्यू फंक्शन को कॉल किया है। सो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, एंड यू कैन सी हेयर दैट यहाँ पर नीचे एक एरर आ रहा है दैट रेफरेंस टू शो इज एम्बिग्यूस। सो ये वही एरर है जिससे कंप्यूटर को एक कन्फ्यूजन हो गई कि ये शो फंक्शन मुझे क्लास ए से कॉल करना है या ये शो फंक्शन मुझे क्लास बी से कॉल करना है। सो इस फंक्शन पर्टिकुलर टाइप के एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्कोप रेजोल्यूशन एंड देन शो फंक्शन। तो ये ए की कॉल के लिए होगा, और हम लिख सकते हैं बी एंड देन शो फंक्शन, तो ये बी की कॉल के लिए होगा। सो इफ वी रन द प्रोग्राम नाउ वी कैन सी दैट हमारे पास शो फ्रॉम ए और शो फ्रॉम बी दोनों एग्जीक्यूट हो रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमने किसकी कॉल को पहले एग्जीक्यूट किया है। सो ये एक तरीका है एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और तरीकों से। सो होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।